नमस्कार दोस्तों, आर्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बेसिक सा टॉपिक ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस टॉपिक से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ नया दे पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जब आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट, सपोज मैं ले लेता हूं ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट, इन दो अलग अलग एलिमेंट या दो सिमिलर एलिमेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कह रहे हैं बॉन्डिंग। चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का हो, या चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। अगर ये दोनों ही सिमिलर हैं तो इन दोनों में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। दूसरी बात हमारे मन में ये आती है कि एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट अपने पास हैं। इन सभी एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सभी एलिमेंट इन इनर्ट गैसेस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, मतलब कि अपने वैलेंस सेल में इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम कुछ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो दो तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। इन एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कह सकते हैं। इन एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड पर, दाईं तरफ राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल्स हैं और बाईं तरफ मेटल्स हैं। तो हमारे पास, हम अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो दो प्रॉपर्टीज़ में हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो किसी भी एलिमेंट के अंदर दो तरह के स्पेस होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर स्पेस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग वाला, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जो है वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से होता है। हम सभी जानते हैं, रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि किसी भी एटम का सारा मास उसके सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो है न्यूक्लियर स्पेस, और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से बना है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर स्पेस की वजह से किसी भी एलिमेंट की, न्यूक्लियर स्पेस की वजह से किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज असाइन होती है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस की वजह से किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज असाइन होती है। तो हम यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रॉपर्टीज असाइन हो रही है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम इन एलिमेंट्स को दो तरह के एलिमेंट्स माने, तो अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इसी तरह अगर कोई दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह के जो बॉन्ड हैं उन्हें हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से हमें मिलता है बहुत ही फेमस कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जनरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट देता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा और वो इलेक्ट्रॉनों का
साझा करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अटैच हो जाते हैं और इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। आज का हमारा फोकस मेनली इसी के ऊपर रहेगा। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो कोवेलेंट बॉन्ड की क्या हिस्ट्री है? कोवेलेंट बॉन्ड को इन थ्योरीज के हेल्प से हम समझ सकते हैं, जिसमें सबसे बेसिक जो सबसे स्टार्ट थ्योरी है वो है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी जो है वो ऑक्टेट रूल के बारे में बात करती है। वो ये बताते हैं कि सभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर या शेयर करके अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाह रहे हैं। दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है सिडविक पॉवेल थ्योरी। यह थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बात करती है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन से मॉलिक्यूल के शेप में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं इस थ्योरी के अंदर। और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी एक एटम के बारे में बात करती है और उसी के ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताती है, वहीं दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो एटम के ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से, दोनों के ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करती है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं लुईस थ्योरी से। बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में लिखा है कि ऑक्टेट जो है किसी भी एलिमेंट का, वो ऑक्टेट उसके खुद के इलेक्ट्रॉन और किसी और के साथ शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन के काउंटिंग से पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, अगर ये किन्हीं 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। और हम जानते ही हैं हाइड्रोजन जो है उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है हीलियम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है, तो उससे भी ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ऑक्टेट तो हम यहाँ नहीं कहेंगे, हम ये ज़रूर कह देंगे कि उसने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, तो वो स्टेबल माना जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, तो ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। आप अगर काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहे होंगे, और इस तरह से ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट लुईस ने दिया था, लेकिन जब बाद में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स के बारे में बात हुई, BeCl2 है, BH3 है, NO, इन तीनों में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। बेरिलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग करने के बाद भी इनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 8 नहीं होता, तो इनकी भी स्टेबिलिटी को ये लुईस नहीं समझा पाए। फिर हमें ज़रूरत पड़ी नेक्स्ट थ्योरी की, जिसके बारे में हम डिस्कस करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिनस पॉलिंग ने दी थी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 2 लाइन में लिखी है मैंने इसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे किसी भी एटम के वैलेंस सेल में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बनाएगा, ठीक है। दूसरा, इस थ्योरी की हेल्प से हमें किसी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता चलता है। वो शेप किस वजह से आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो मेनली बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, वो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और दोनों के शेयरिंग से जो एक बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इसे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बेसिक वे में बोलें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल हैं वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं मिक्सिंग के द्वारा, जिसे हम कहते हैं, नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कैसे हैं ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक दूसरे वे में भी हाइब्रिडाइजेशन को समझना चाहिए कि कुछ लोग इसे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, लेकिन रियलिटी में ये क्या है? ये है मिक्सिंग ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्व के दौरान वो दो तरह की प्रॉपर्टी रखता है। दो तरह की प्रॉपर्टी कौन कौन सी? एक प्रॉपर्टी है उसकी वेव नेचर और एक प्रॉपर्टी है उसकी पार्टिकल नेचर। तो जब वो वेव नेचर रखता है उस समय उसका जो वेव फंक्शन बना, उन वेव फंक्शंस के मिक्स होने से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम समझें तो उसके लिए हम एक अच्छा सा, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल हम बिल्कुल बेसिक सा ले रहे हैं, और वो एग्जांपल है हमारा मीथेन। तो अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन, और हमारे जो अटैच्ड एटम हैं वो है हाइड्रोजन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के बारे में बात करती है, अटैच्ड एटम के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब भी कभी किसी सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हमें मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। दूसरी बात, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इन ऑर्बिटल्स की? तो ये ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, डिफरेंट शेप हो सकता है, दूसरी बात इन ऑर्बिटल्स में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और वेकेंट या कहूं एम्प्टी खाली ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, पूरे भरे हुए, आधे भरे हुए और खाली। इसको हम ऐसे समझें तो यहाँ देखिए, कोई भी ऑर्बिटल को आप इस तरह से लिखते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसे आप कहेंगे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरा आप कहेंगे ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और तीसरा आप कहेंगे ये वेकेंट ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वेकेंट सभी हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकते हैं। ध्यान से सुनना, सभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों तरह के जो ऑर्बिटल हैं ये अब हम अभी पढ़ रहे हैं, वेकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि वेकेंट ऑर्बिटल भी किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं CH4 के एग्जाम्पल में। अगर हम देखें तो कार्बन के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2, 2s2 और
2p2, मतलब कि एक s ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और 3p ऑर्बिटल जिसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, आप सभी जानते हैं, और इसकी एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में सभी ऑर्बिटल के अंदर 1-1 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी एलिमेंट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहां देखेंगे जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आपका 2s ऑर्बिटल है और ये आपके 2p ऑर्बिटल है। इनका शेप कुछ इस तरह से है। तो वापस से रिवाइज कर रहा हूं, वही लाइन दोहरा रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट शेप के ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन्हें आप कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये मिलकर जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे और इन्हें आप कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। यहां सभी अलग अलग शेप के हो सकते हैं, यहां सभी एक जैसे बन जाते हैं। यहां इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, यहां इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सिमिलर ही होती है। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जिन ऑर्बिटल से ये बने हैं उन्हीं के नाम पर जाना जाता है। जैसे यहां ये अगर ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, तो 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इन चारों का नाम होगा 1s और 3p। तो यहां हम कहेंगे 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। अब ये जो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स 3D में इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम हो जाए और ये इस तरह से अरेंज होकर इस तरह का शेप बनाएंगे जिसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब आपके मन में ये विचार आएगा कि ये इस तरह से अरेंज कैसे हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी कोई भी ऑर्बिटल्स, जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, सपोज कि आपके पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, सपोज आपके पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं 1 और 2, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों में है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मिनिमम रिपल्शन कब होगा, जब वो दोनों 180 पर अरेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते करते जब दूर जाएंगे तब ये अटैच होंगे, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और यहाँ जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अगर इसी तरह हमारे पास तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हों तो ये तीनों इस तरह से अरेंज होंगे। सपोज ये तीनों ऐसे अरेंज होते हैं, सपोज कि ये ऐसे अरेंज होते हैं, तो ये ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेगा इस दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन इसे भी रिपेल करेगा इस दिशा में, तो ये दोनों रिपेल होंगे और ये फाइनली जो शेप अटेंड करेगा वो शेप होगा इस तरीके का, जिसे हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लानर। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा, जिसे हम कहेंगे 120 डिग्री। इसी तरह अगर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास नंबर 4 हो, 4 नंबर में हो, तो ये 4 इसमें, जैसे ऊपर यहाँ एक ऐसे में लगा देता हूँ, तो ये इन तीनों को रिपेल करके नीचे की तरफ ले जाएगा और ये तीनों इस तरह से नज़र आएंगे। और यहाँ जो एंगल है वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये बहुत बेसिक बात जो आप 11th क्लास से सीख रहे थे वो मैंने आपको फिर से बताई है। अब हम बात करें कि किसी भी, अब हम बात करें तो किसी भी एलिमेंट के, जैसे कोई एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होते हैं तो शेयरिंग के लिए इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल
दोनों ही क्या होने चाहिए, ओवरलैप होने चाहिए। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग दो तरह की हो सकती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इसको समझने के लिए आप देखिए जरा, ये है हमारा कोई एक एस ऑर्बिटल, ये हमारा कोई पी ऑर्बिटल। ये जब किसी एक सिमिलर एक्सिस के ऊपर एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये एक पी ऑर्बिटल और ये भी एक पी ऑर्बिटल। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो यहाँ भी जो हमारे पास जो एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है उससे जो बना है उसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब कभी दो ऑर्बिटल कुछ इस तरह से, सपोज मैं इसे कह देता हूँ पी वाई ऑर्बिटल हैं ये दोनों, तो पी आई दोनों ही पैरेलल ऑर्बिटल अगर अमर्ज होंगे या ओवरलैप होंगे तो ऐसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, ये तो हुई ओवरलैपिंग की बात। तो अब अगर हम बात करें, कि सी एच फोर मॉलिक्यूल में किस तरह का फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा, तो आप यहां से उड़ा दिया गया मैंने उसको, ठीक है, सी एच फोर मॉलिक्यूल में किस तरह का फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो कार्बन के अंदर हमने अभी देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल्स में बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, देखिए जरा, ये चारों जो हैं, ये चारों हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो कि 1s ऑर्बिटल रखता है, 1s1, तो s चूँकि स्फेरिकल होता है तो ये मैंने s बना दिया। ये इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं, ये इस तरह से, ये है हमारा ऑर्बिटल व्यू CH4 मॉलिक्यूल के लिए। और यहाँ हम अगर असाइन करें तो ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा sp3, sp3, यहाँ भी s और sp3, s और ये sp3, ये sp3 है और ये s। तो इनकी वजह से, ये जो ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं उसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल हमारे पास हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो कार्बन एटम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH4 मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहां हम ये बोल देंगे कि ये चारों ही सिग्मा बॉन्ड हैं। इस तरह से ये मीथेन मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका है। तो अगली जो हमारी टॉपिक है वो है हमारा सिडविक पॉवेल थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो शेप प्रिडिक्शन से रिलेटेड है। ये थ्योरी क्या बताती है, जो अभी मैं आपको बोल रहा था वही, टू पेयर अगर कभी भी ओवरलैप होंगे, टू पेयर इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनके रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उनका इरिटेशन ऐसा हो जाएगा तो वो लीनियर शेप रखेंगे, थ्री पेयर्स होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर रखेंगे। लीनियर शेप को कुछ आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टेट्राहेड्रल शेप को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल और हेप्टाहेड्रल शेप। ये थोड़ा और डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।